जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी गिरिवर राधारी जय गोपी जनवल्ल गिरिवरधारी यशोदनन्दनव्रजनिरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधमाधवा कुञ्जविहारी जय राधा माधवा कुज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे जया प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जया प्रभु पदा जया गुरुदेवा जया गुरुदेवा गुरुदेवाय जया गुरु श्री नाम संकीर्तन की जय जय श्री राधे श्याम की जय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्या ना नरं ना चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैषि ओम अज्ञान से ज्ञान जनशलाकक्षुर्मील ये न तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्टम स्थात ये भूतले स्वयं रूप कदाय ददा स्वदाक वंदेहम श्रीगुर श्रीयुता पदकमल श्रीगुरून्वैश्वांच रूपम सा सा श्री रूपम जात सहेगढ़ रघुनाथ अनु तम तम सजीव सा द्वैतम सा विदूत परजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादगढ़ श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरि प्रिए व्वांचाकू्य सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में और आज के बहुत महत्वपूर्ण दिन एकादशी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे भक्त हमेशा समय पर आ कर के एक नया आ, एक मुकाम हासिल कर रहे हैं है ना कैसा मुकाम हासिल कर रहे हैं जो सब कोई नहीं कर सकता वो आप कर रहे हैं पता है ना आपको जो सब कोई नहीं कर सकता वो आप कर रहे हैं सब कोई क्या नहीं कर सकता सबको ये पता नहीं होता कि उसको जीवन का लक्ष्य क्या है उद्देश्य क्या है वो केवल सुबह उठता है नहाता धोता है कुछ लोग तो नहाते भी नहीं हैं ऑफिस के लिए जाता है या घर में स्त्रियां काम के लिए लग जाती हैं दिन भर टीवी देखती हैं वो ऑफिस में गपशप करते हैं शाम को वापस आते हैं दिनचर्या ऐसे निकलती है रात को डिनर करते हैं टीवी देखते हैं सो जाते हैं ये दिनचर्या है हम उन दिनचर्या से हट करके आप सब प्यारे प्यारे भक्त इस समय इस आधे घंटे मिल करके अपने जीवन के उद्देश्य को बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं तो जो है चेतन ना प्रभु जी प्रभु जी इज इट पुत्रदा एकादशी और वैकुंठ एकादशी प्रभु जी ये पुत्रदा एकादशी है और हम बताने जा रहे हैं आपको पुत्रदा एकादशी क्या है चलिए बताते हैं आपको एक बार क्या हुआ ये भविष्य पुराण में इसकी कथा आती है प्रभु जी भविष्य पुराण में और आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है आज एक ही दिन एकादशी को फॉलो कर रहे होंगे तो कई लोग ये मानते हैं पुत्रता एकादशी केवल और केवल पुत्र प्राप्ति के लिए होती है है ना तो उसके लिए तो होती ही है <laughs> तो भविष्य पुराण में एक बार युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि अरे जो ये इस साल की जो पहली <laughs> जनवरी की जो पहली एकादशी है उसका महत्व क्या है यानी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है इसका महत्व क्या है तो भगवान ने बताया कि ये एकादशी वो है जो एक तो पहला जो है पुत्र की प्राप्ति तो होती ही होती है लेकिन साथ में इस एकादशी को जो करता है उसको पुत्र जो है अगर है तो बड़ा ही विद्वान हो जाता है यानी एग्जिस्टिंग पुत्र जो है आपका जन्म ले चुका है ऑलरेडी वो विद्वान हो जाता है और दूसरा बात यह भी है कि आपको पुत्र के लिए को भग अगर आप एकादशी रखते हैं अपने बच्चों को एकादशी का व्रत रखाते हैं तो आप क्या होते हैं एक तो बच्चों को एकादशी का व्रत रखा तो पुत्र विद्वान हुआ और साथ में आपका वैकुंठ का रास्ता खुल जाता है तो प्रभु जी आपको चेतना आंसर मिल गया इसको क्या कहते हैं तो जो है बुद्रता एकादशी और चूंकि इस एकादशी को करने से वैकुंठ का रास्ता खुलता है इसलिए इसको वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं ठीक है तो जो है, तो है? तो अब भगवान इसमें भगवान विष्णु की भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और आप लोगों ने आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करी है, भागवतम की शुरुआत सुनने के सुन करके क्योंकि आज का दिन जैसे ही आपने भागवतम कथा आपके कानों में पढ़ी तो इसमें बोला जाता है कि इसमें श्रवण आवश्यक होता है इसमें जो है श्रवण यानी अभी तो जो आप एकादशी का व्रत सुन की कथा सुनने वाले हैं साथ में जो आप भागवत कथा सुनने वाले हैं ये श्रवण अति आवश्यक है आज के दिन ये क्या करता है कि ये जो है ये बिना अगर आप श्रवण नहीं करते ना आज के दिन तो व्रत पूरा नहीं माना जाता और आपने व्रत की शुरुआत ही श्रवण से कर दी देखिए यानी यानी कानों को आपने फीड करना शुरू कर दिया <laughs> ठीक है तो जो है कहते हैं इसलिए इसमें श्रवण होता है और भगवान कृष्ण ने फिर क्या बोला कि कहा कि एक बार की बात है एक समय जो है भद्रावती राज्य था उसमें एक राजा था सुकेत उसकी पत्नी का नाम था शैव्या उनका राज्य बहुत अच्छे से चल रहा था बिल्कुल सारी सुख सुविधा वैभव सब कुछ उनके राज्य में था और सारी प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी सभी लोग अति आनंदित थे लेकिन और विवाह का लेकिन काफ़ी समय हो गया लेकिन उसके बाद ही भी उन दोनों के पास कोई संतान नहीं हुई संतान नहीं थे तो बहुत दुखी हो गए बहुत जो है काफ़ी चिंतित रहने लगे कि अरे हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा इस देश का क्या होगा तो जो है वो इतना चिंतित रहते थे तो उन्होंने जो है ऐसे मन में चिंता रहती थी पूरे टाइम तो कहते हैं अब अब साथ में दूसरा क्या होता है राज्य छोड़ दीजिए मेरे लिए पिंडदान कौन करेगा ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है अगर हम अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते हैं अगर हम अपने बच्चों को सही ढंग से पालन पोषण नहीं करते हैं उनको भगवान लोग कहते हैं अरे अभी बच्चों की उम्र ही कितनी है उनको बता के क्या फ़ायदा अभी अभी बताने अभी तो उनको पढ़ाई करने दो उनको नौकरी करने उनको बुढ्ढा होने दो तब तक आप मर गए और वो बुड्ढे होने के पहले ही उनके अगर आपका देहांत हो गया और उनको शास्त्र पता नहीं चला और तो आपका पिंडदान कैसे करेंगे वो तो चार दिन में आपको निपटा देंगे कहेंगे अब तो निकल गए चार दिन में निपटाओ मेरा ऑफिस और बिजनेस का काम बहुत पड़ा हुआ है है ना तो जो है क्या होता है तो ये राजा लोग चिंतित थे कि अरे हमारा पिंडदान कौन करेगा तो राजा तो कभी कभी ऐसा हो गया कि उसने सोचा मैं आत्महत्या कर लेता हूँ अपने प्राण देने तक के लिए सोचने लगा है ना उसने ऐसा कदम उठाया नहीं लेकिन वो सोचने लगा उसके मन में उल्टे सीधे आने लगे कि अरे मैं एक पुत्र नहीं पैदा कर सकता मेरा क्या फायदा तो ऐसे में एक बार वो वन की तरफ जा रहा था और जा करके जब जाता जा रहा था तो उसको भूख और प्यास से बड़ा ही पीड़ित हो रहा था बहुत पीड़ित हुआ तो चलते चलते उसको लेकिन दुखी भी था भूखा भी था प्यासा भी था एक तालाब दिखाई दिया उसके किनारे बैठ गया और बैठ के ऐसे दुखी होकर बैठ गया कैसे करूं जैसे जिसके पास जो नहीं होता सोचिए उसके पास पूरा राज्य था प्रजा था सब कोई थे लेकिन उसके पास भी क्या नहीं था उसके पास पुत्र नहीं था यानी दुखालय होता मैं ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा अरे नहीं नहीं ऐसा संभव नहीं है पैसा से सुखी नहीं होंगे परयुक्त केवल और केवल के भक्ति से सुखी हो पाएंगे केवल और केवल भक्ति आपको सुख दे सकती है दुनिया में कोई दूसरी चीज आपको सुख नहीं दे सकती तो वो वहां बैठा हुआ था और उसने देखा कि कुछ दूर पर दिखाई दिया कुछ आश्रम बने हुए हैं उसने इसीलिए आश्रम की जरूरत पड़ती है पता है आपको जब आश्रम होते हैं ना अलग अलग जगहों पर तो किसी को भी ठिकाना मिल जाता है एक सहारा मिलता है उसको लगा रही यहाँ पे मुझे कुछ सलूशन मिल सकता है आश्रमों में जहाँ जो है जहाँ पे हमारे भक्त गण रहते हों वहाँ कीर्तन भजन भगवान का होता है आश्रम का मतलब क्या होता है आश्रम का मतलब होता है भगवान की भक्ति का आश्रय यानी जहां लोगों को भगवान की भक्ति मिलती है वह कहलाता है आश्रम तो जहां भगवान के जो है लोग केवल और सब कुछ त्याग करके केवल भगवान के लिए ध्यान लगाते हैं और जब आश्रम नजर आया उनको तो क्या किया उन्होंने वो गए और जो है जाकर के उन्होंने वहां देखा कुछ ऋषि लगकर बैठे थे ऋषियों को प्रणाम किया तो राजाओं तो ऋषियों ने पूछा इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो ये तो हम लोगों का जगह है ये तो हमारा एरिया है हे राजद हे राजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो हम तो यहाँ जो है बिल ध्यानमग्न होने के लिए आते हैं आपका क्या काम है आप तो अपना राज्य संभालिए तो कहते हैं मैं तो इधर वन में भटकते हुए आ गया लेकिन अगर लेकिन मुझे जो है मैं बहुत ही दुखी हूँ मेरे पास सब कुछ है राज्य है वैभव है शक्ति है प्रजा है सब कुछ सुखी है पत्नी है लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है मैं क्या करूं राजा ने कहा क्या तुम्हारे पास पुत्र नहीं है संतान की प्राप्ति के लिए तुमको क्या करना चाहिए पता है आज का दिन बहुत उत्तम दिन है कहते हैं आज जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी है तुम आज इस व्रत का पालन बहुत अच्छे से करो तुम्हें पुत्र होगा और राजा को बाद में एक बड़ा ही वैभवशाली पुत्र हुआ तो हमें जो है पुत्र प्राप्त होते हैं पुत्र के बाद जो है हमें क्या प्राप्त होते हैं पुत्र हुए लेकिन पुत्रों को अगर जिनके पुत्र हो चुके हैं उनके उन्हें अपने पुत्रों को सिखाना चाहिए कि भक्ति क्या है थी एकादशी का फल मतलब जो आपने सुना है पुत्रता एकादशी अब हम लोग जानेंगे कि आज का जो विषय है जब उद्धव महाराज क्या कह रहे हैं विदुर जी से तो जिन्होंने पीछे की कथा जिनका मिस हो गया होगा वो लोग पीछे की कथा सुन लीजिएगा उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से कि भगवान किस तरीके से जन्म ले लेते हैं क्यों जन्म लेते हैं और आज वो विदुर जी को बता रहे हैं क्या बता रहे हैं लेकिन उसके पहले मैं गायत्री माता जी और संतोषी माता जी को जरूर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने श्लोक पढ़ करके भेजे तो मैं उनके श्लोक चला रहा हूँ पाँच पाँच सेकंड दस दस सेकंड के सुन लीजिए हरे कृष्णा भागवतम 3.2.7 श्लोक का उद्धो आचा कृष्ण धूमणि निम्न लोचे गीणे से वज गरेणे हा किम की नू नहा वयम आठ्वा श्लोकात् दूर्भगवत् लोकोऽयं यद्धो निद्रामपि ये सन् सन्तो नाविदुर् हरि मीना इयो हरे कृष्ण भागवतं अध्याय अध्यादो श्लोक नम्बर् पद्रा सर्वशान्तरूपे शिवतरे स्वरूपे रभ्यर्धमाने स्वनुकं पितात्मा हरे तो तो कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आप लोगों को अब आते हैं श्लोक में इस श्लोक को बड़े प्रयाम प्रेम से मेरे साथ पढ़िए गुनगुनाइए आप आनंदित होके पढ़ेंगे आपको उतना ही आनंद आएगा क्योंकि हमारा जो श्लोक है ना ये हमें बिल्कुल प्यार से और हस्त, बिल्कुल खुल करके पढ़ना चाहिए तो पढ़ते हैं जन्म विडंब सुदेव गेहे व्रजे चवासोरिभयाद स्वयं पुरा दी दीर्य कहते हैं माँ मुझको यदि पीड़ा पहुंचाता है एतत यह है अजस्य जन्मा का जन्म जन्म विडंबन विनम्बनम मोहित करना यत जो वसुदेव के हे वसुदेव के घर में ब्रज वृंदावन में भी वासा निवास अरि शत्रु के भयाद भय से इव मानो स्वयं स्वयत और कहते हैं पुरात मथुरापुरी से वैवासित वैवासित सी, भाग गया यत जो है अनंत वीर्या असीम बलशाली अब देखिए क्या कह रहे हैं जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूं कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के वंदी गृह में उत्पन्न हुए थे है ना किस तरह से कहते हैं यानी कह रहे हैं कि जो है हाँ चांदी माता जी ने एक प्रश्न पूछा है प्रभु जी क्या पचास साल के बाद घर छोड़ देना चाहिए था मैंने ये ऐसा सुना है चलिए इस प्रश्न का उत्तर माता जी आपको ज़रूर मिलेगा कुछ समय बाद मैं देता हूँ प्रश्न का उत्तर आपके तो जो है इस इस कथा के अंत में दूंगा तो अंत तक बने रहिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है कहते हैं कि जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूं कि अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के बंदी ग्रह में उत्पन्न हुए थे किस तरह अपने पिता के संरक्षण से व्रत चले गए और वहां शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते थे तथा किस तरह असीम बल होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए यह सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती है सोचिए कह रहे हैं भगवान तीन चार चीजें उन्होंने बोला देखिए पहला क्या बोला कि भगवान अजन्मा है तो भी उन्होंने कहा जन्म लिया वसुदेव के बंदी ग्रह में उत्पन्न हुए बताओ अजन्मा है लेकिन जन्म कहां लेना पड़ा उनको बंदी ग्रह में जबकि वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं लेकिन तब भी वो जो है वहां पहुंचे कहां पे बस बंदी ग्रह में जन्म लिए दूसरा कहते हैं वो पिता के संरक्षण में है भगवान सब उनके संरक्षण में है लेकिन वो अपने पिता वसुदेव के संरक्षण में थे और वो ब्रज गए पिता के संरक्षण में आकर के और फिर कहते हैं वहां वो लगातार शत्रुओं से भयभीत होते रहे कि अब कोई मारने आ सकता है ये तीसरा बात उनको लग रहा था चौथा बात क्या लग रहा था कि इतने असीम बलशाली हैं लेकिन उनके बराबर अनंत बल किसी के पास नहीं है पूरे मतलब पूरे ब्रह्मांड का अगर कोई अनंत शक्ति है तो भगवान कृष्ण है कहते हैं अनंत बल अनंत शक्तिशाली हैं लेकिन भयवश मथुरा से भाग गए ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं तो मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाती हैं चार चीजें हैं देखिए इन्होंने बोला तो सोचिए आप यहाँ पर यह स्थिति देखिए कि भगवान कैसे मोहित करते हैं लोगों को है ना यानी ऐसा मोह कि स्वयं उद्धव जी कह रहे हैं कि वो मोहित हैं अपने पिता के यानी कहते हैं वसुदेव बंदी ग्रह में उत्पन्न हुए थे बंदी ग्रह में उत्पन्न हुए तो आप सोचिए भगवान कहाँ उत्पन्न होते हैं पता है जहाँ भगवान की भक्ति होती है चाहे वो जेल हो चाहे कहते मैं तो बहुत गरीब हूँ मैं भगवान की भक्ति कैसे करूँ अरे भगवान की भक्ति कर सकते हो हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति की जा सकती है कैसे यानी आप हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति कर सकते हो क्योंकि जहां भी आप भक्ति करेंगे वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे मैंने आपको बोला था ना भगवान हर जगह उपस्थित है हर जगह जैसे चिंगारी आग हर जगह उपस्थित है दो पत्थर को आप जहां भी रगड़ देंगे वहीं चिंगारी आ जाएगी वैसे भगवान का नाम जहां भी ले लेंगे हरे कृष्णा बोल देंगे जहां ये कथाएं पहुंच जाएंगी ये भगवान की जो नित्य कथा है भागवत कथा ये जहां पहुंचेगी वहां भगवान आ जाते हैं प्रकट हो जाते हैं तो, तो भगवान वसुदेव के बंदी ग्रह में इसलिए उत्पन्न हुए कि भगवान अपने भक्त के घर में उत्पन्न होना चाहते हैं किसी और के घर में उत्पन्न नहीं होना चाहते अपने भक्त के घर में आना चाहते हैं अजन्मा है तो इसमें कंफ्यूज वो हो गए कि भगवान को तो कहीं भी जा सकते थे तब भी बंदी ग्रह में क्यों आना पड़ा तो आप सोचिए ये भगवान की पूरी प्लानिंग थी मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं भगवान की प्लानिंग के आपको बड़ा मजा आएगा सुन करके भगवान की प्लानिंग कैसी थी भगवान ने किस तरीके से उनको सब कुछ पता रहता है और भगवान कहते हैं कहते हैं भगवान ना माया देवी को आदेश देते हैं योग माया को क्या कहते हैं गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीतम रोहिणी वसुदेवस्या भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यस्य कंस संविघ्न विवरेश वसंत ही कहते हैं योग माया से कि हे योग माया को आदेश दिया कि तुम जो है तुम तो सब जगह पूजी जाने वाले हो सबको सौभाग्य प्रदान करोगी तुमको एक काम करना है क्या तुम ब्रज जाओ तुम क्या करो वहां पे अनेक ग्वाले उनकी पत्नियां रहती हैं तुम वहां पर जाओ कहते हैं अच्छा मात तो दुर्गा देवी कहती हैं अच्छा बताइए क्या करें फिर उस सुंदर प्रदेश में जाओ जहां गव्य निवास करती हैं अच्छा मैं क्या करूं वहां पर कहते हैं एक रोहिणी है पत्... किसकी वसुदेव की पत्नी रोहिणी है जो नंद महाराज के घर में रह रही हैं आप वहां जाओ क्यों क्योंकि वहां वसुदेव की अन्य पत्नियां भी यहां वहां अज्ञातवास कहीं कर ली किसके भैसे कंस के भैसे तुम तुम तु रोहिणी के पास जाओ और वहां जाके क्या करो देव क्या जठरे गर्भम शेखा शेखाख्यम धाम माम तत्स्य सन्नी कृष्य उदरे सन्नी देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है बता रहे भगवान किसके गर्भ में है देवी के, के गर्भ में है।, है ना देवी के गर्भ में कहते मेरा अंश है तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के घर में गर्भ में स्थानांतरण कर दो <laughs> बताइए इतना बड़ा विज्ञान <laughs> यानी एक गर्भ से बीज उठाना है यानी बच्चे को उठाना है और दूसरे घर में डाल देना है ये आसान है कि मुश्किल है आज डॉक्टर को बोलो पसीना छूट जाएगा उनका एक गर्भ से उठा करके दूसरे घर में डाला भगवान ने उनको आदेश दिया कि तुम जाओ और ऐसा करो हम्म तो कहते हैं ठीक है, है महाराज मैं ऐसा करूंगी लेकिन आप क्या करने वाले आपका अगला प्लान क्या है तो कहते हैं अथा हमम सभागे न देव क्या पुत्रताम शुभे प्राप्त श्याम तम यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्य नंद पत्नयाम मतलब नंद की पत्नी यशोदा यशोदयाम माता यशोदा घर में देखिए पहले क्या बोला जैसे आजकल भी आप आधार कार्ड में लिखते हैं ना पत्नी का नाम पहले आपने अपना नाम लिखा फिर कहते हैं अपने पति का नाम लिखते हैं वाइफ ऑफ लिखते हैं ना या सन ऑफ तो यहां पे भगवान ने बड़े अच्छे से क्लियर किया प्राप्त त्व यशोदायाम अब यशोदा कौन वहां पे द, नंद में तो बहुत वहां पे हो सकता है दो चार यशोदा हो तो कहीं दुर्गा देवी कंफ्यूज ना हो जाए तो कहते हैं नंद पत्न भविष्य यानी मैं क्या करूंगा हे सर्व कल्याणी वियोग माया मैं क्या करूंगा अपने सारे ऐश्वर्यों छयों ऐश्वर्य से युक्त होकर देविकी के पुत्र के रूप में प्रकट होगा भगवान का ये प्लान था बताइए भगवान के इस प्लान में भी हम कंफ्यूज कर, करें मोहित हो जाएं कि भगवान को जल वही क्यों जन्म लेना पड़ा जेल में ही क्यों आना पड़ा हम्म कहते तुम तुम तो तुम्हें क्या करना है तो कहते तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी कहती अरे प्रभु जी मुझे समझ नहीं आ रहा एक तो आप कहते हैं पहले कितना काम दे दिया देखिए दुर्गा माता जी को योग माया को कितना काम मिल गया देखिए दुर्गा माइया दो रूप में है कंफ्यूज नहीं होने का एक है योग माया शक्ति एक महा माया माया जैसे पुलिस होती है ना पुलिस पुलिस क्या करती है जब प्राइम मिनिस्टर कार में है तो वही पुलिस एक, हजारों पुलिस उनके आगे पीछे लग जाती है उनकी रक्षा करने के लिए लेकिन जब वही चोर एक जाता है बड़ा बड़ा भयंकर वाला चोर जिसने बड़ा बम विस्फोट किया है तो सौ डेढ़ सौ दो सौ पुलिस उसकी भी रक्षा के लिए जाती है लेकिन एक को बंदी बना के जा रही होती है और एक पीछे पीछे जा रही होती है पुलिस वही है तो वही पुलिस कभी योग माया बन जाती है और कभी महामाया बन जाती है वैसे दुर्गा मैया कभी योग माया बन जाती है कभी महामाया बन जाती है तो उनको बोला है कि तुम जाओ और तुम्हें जाके क्या करना है तुम जाकर के पहला काम दूसरा काम जो है रोहिणी के घर में ट्रांसफर करो देवकी से और दूसरा काम तुम मैं देवकी के आ रहा हूं और तुम जाके यशोदा मैया क्या? पुत्री बन के आ जाओ हम्म तो जो है और फिर मैया ने बोला ठीक है मैं ये काम तो करूंगी उसके बदले मुझे क्या मिलेगा <laughs> आप थोड़ा सा ऐसा करिए मैं इतना बड़ा बड़ा आपका काम करूं इतना बड़ा ऑपरेशन करूं वहां से वहां ट्रांसफर करूं और वहां से ये ट्रांसफर तो भगवान ने कहा चिंता ना करो तुमको भी मिलेगा क्या मिलेगा पता है कहती ना भगवान कहते नाभ देती स्थानान चा ना भू दुर्गेत भद्रकालीत विजया वैष्णवीत चा कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या केत कन्या केत माया नारायण नारायणी शानी शारदेत्यंबिकेतचा कहते तुमको कौन जो लोग जब तुम ऐसा करोगी ना तो भगवान ने कहा तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें इस पृथ्वी पर लोग अलग अलग नामों से पुकारेंगे कोई कहेंगे दुर्गा कोई कहेगा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमदार चंडिका कृष्णा माधवी कन्या माया नारायणी ईशानी शारदा अंबिका ये ये भगवान ने कहा तुम्हें इन सब नामों से बुलाया जाएगा जाओ तुम जो है आराम करो टेंशन ना लो तो मेरा तो भगवान का काम जो भी करता है ना भगवान उसको फेमस कर देते हैं तो यह है तो भगवान की इतनी बड़ी लीला और कोई भगवान के नाम के ऊपर कंफ्यूज कर जाए अरे ऐसा कैसे कहलाएगा ऐसा कैसे हो सकता है तो जो कहते हैं कि भगवान तो उनको भगवान ने यह भी बोला कि देखिए जब जिसको तुम ट्रांसफर करने वाली हो ना चूंकि वो मेरा अंश है और तुम ट्रांसफर कर रहे हो इसलिए उसको संकर्षण बोला जाएगा संकर्षण यानी आकर्षण करके तुम यहाँ से वहाँ लेके जा रही हो और दूसरा क्या है उसको गोकुल के जी निवासी है ना वो सब लोग उससे बड़े खुश रहेंगे जो देखेगा वो प्रसन्न हो जाएगा इसलिए उसको राम भी बोलेंगे और चूंकि उसके पास बहुत बल होगा इतना शक्ति होगा उसके पास कि उसको जो है लोग बलभद्र भी कहलाएगा और जब बलभद्र और राम मिल का नाम मिलेगा तो बलराम हो जाएंगे वो ऐसे भगवान जो है करके जो है देखिए तो दे, हमें भगवान कभी भी डिसीजन लेते हैं ना तो क्या लेते हैं मुझे कहाँ जाना है भगवान कहते हैं मुझे तो वहीं जाना है जहां पर मेरा भक्त मेरी भक्ति कर रहा है जहाँ लोग जो है कान में ईयरफोन लगा करके ये भागवत कथा सुन रहे हैं मुझे तो वहाँ जाना है भगवान कहते हैं और भगवान ये कह के कहाँ गए भगवान विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकरम आविवेशांश भागेन मन आनंद आनक भे दुम्द कहते हैं किस तरह से सभी जीवों के जो परमात्मा हैं सभी भक्तों के जो भय दूर करते हैं वो कहाँ आ गए वसुदेव के मन में आए पूर्ण अश्वर रूप से तो देखिए यहाँ कई लोग सोचते हैं कि उनके जो है भगवान उनके गर्व में गए कैसे जैसे आजकल जैसे होता वैसे होता है क्या अरे नहीं नहीं वैसे नहीं है उसके लिए संभोग करने की आवश्यकता नहीं है भगवान वसुदेव के मन में अचानक आए जैसे ही भगवान वसुदेव के मन में आए पूरे छयु ऐश्वर्य से पूर्ण होकर के वसुदेव चमकने लगे और उनके मन से देवकी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए है ना मन से मन में ट्रांसफर है वसुदेव खूब बिल्कुल प्रकाशमान होने लगे चमक गए बिल्कुल और उनमें जो है ऐसा लगने लगा स्वयं वसुदेव स्वयं भगवान लगने लगे इस तरह से भगवान और फिर वो भगवान के यानी वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरण हुआ इसके लिए कोई उनको संभोग करने की आवश्यकता नहीं थी भगवान ऐसे आते हैं और भगवान इस तरह से आकर के वहां पर पहुंचते हैं पूरा प्लान करते हैं बाकी तो आप लोग जानते हैं कथा लेकिन यह जो यहां पर जो उनको डाउट है ना वो डाउट जो आपने अभी आपने देखा मैं फिर से दिखाता हूं कहते हैं ना कि अजन्मा होते हुए भी किस तरह वसुदेव बंदी ग्रह में उत्पन्न हुए फिर कहते हैं किस तरह से पिता के संरक्षण से व्रज चले गए दूसरी लाइन इसको समझाता हूं पिता के संरक्षण से व्रज उन्होंने किसके संरक्षण से व्रज गए पिता के संरक्षण से गए कि वो जो है कि पिता उनके जो है संरक्षण से जो है सुरक्षित रहे और उन्होंने जो आदेश दिया उसको फॉलो उनको पालन किया कहा जाता देखिए भगवान की भक्ति एक ऐसी है यार देखे तार कहे कृष्ण उपदेश अमार आज्ञा गुरु हया तार ऐसा मतलब कहते मेरा एक यही आदेश है कि जिसको देखो उसको भगवान के उपदेश दो हमें जो है ना भगवान को भगवान का उपदेश भगवान के बारे में देखिए इधर मैं देखता हूँ कई प्रभु जी माता जी लोग हर जगह प्रचार कर रहे हैं है ना हर जगह प्रचार कर रहे हैं तो जो है और इस तरह से पूरा प्रचार प्रसार जैसे चल रहा है लोग कहते हैं जैसे चांदनी माता जी मुझसे कह रही हैं राधा माता जी मुझे मैसेज करती हैं कई लोग जोड़ते हैं कई प्रभु जी लोग सब लोग प्रचार कर रहे हैं कहते हैं कि प्रभु जी हमारे यहाँ से मैं घर घर जा कर के लोगों को बोल रही हूँ कथाएँ आ रही सुन लो हुँ? ऐसा बोल रहे हैं ये भी एक प्रकार की भक्ति है पता है ये भी बहुत बड़ी भक्ति है और ये मुझे इतना आनंद देती है कि देखिए इस तरह से जो अगर अगर भाव बने कि जो है मैं किसी भी तरीके से मुझे भगवान लोगों को कानों तक ये भागवतम कथा पहुंचानी है अगर मेरा ये लक्ष्य बन जाए तो लोगों तक के कानों तक पहुंच जाएगी बात बात है ना तो पिता के संरक्षण में वो कह रहे हैं कि जो है पिता के संरक्षण में वो गए तो यहां पे भय आ सकता है हुँ? लेकिन जो है हमें क्या करना है ये समझना है कि वो पिता के संरक्षण में भगवान ने क्या किया उनको आदेश दिया वसुदेव क्योंकि अब चूंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूं और तुम इतने बड़े बंदी ग्रह में बंद हो तुम एक काम करो तुम मुझे उठाओ गोद में लो और मैं भी वो कैसे आए चतुर्भुजी रूप में आए तो देवकी जी कहनी ऐसे मत आइए आप ऐसे आएंगे तो कंस आपको पहचान लेगा वो पहचान लेगा तो आपको मार देगा अब बताइए <laughs> भगवान ने कहा ये मैं क्या बोलूं मेरे भक्त कैसे हैं इतनी मेरे लिए चिंता करते हैं मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो इनको इसलिए ऐसा रूप दिखाए कि चिंता ना करो मैं आ चुका हूं इसके लिए परेशान मत हो उधर देवकी करी नहीं नहीं आप इस रूप को छोड़ दो आपका ऐसा रूप देख करके तो समझ जाएगा तो जो है वह और समझ जाएगा तो आपको मारने के लिए प्रयास करने लगेगा कंस ये बहुत बहुत दुष्ट है तो भगवान ने कहा जो है अरे ये तो देवकी भी मेरी इतनी प्यारी भक्त है वो मेरी चिंता कर रही है तो कहते हैं ठीक है देखो देवकी चिंता ना करो मैं जो है उसमें आ जाता हूँ तो जो है कहते हैं मैं अभी अपने उस रूप बारह रूप में आता हूँ कोई बात नहीं तुम क्या करो कि जो है आ, से कहते हैं कि तुम एक काम करो मुझे लेकर के जाओ और जाकर के क्या करो यशोदा मैया के घर में जाओ और वहाँ पे जा करके वहाँ जो पुत्री है उसको उठा लेना मुझे वहीं छोड़ देना है ना तो ये जो है हमें ये समझना चाहिए कि भगवान सब कुछ प्लान करते हैं हम सोचते हैं कि हम करते हैं लेकिन ऐसा संभव है नहीं है असंभव है आप केवल सोच सकते हैं लेकिन करने वाले भगवान है भगवान हर तरीके से हर तरीके से भगवान केवल और केवल कर रहे हैं हमें भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते यानी मैं सबका कारण हूं और सब कुछ मुझसे उद्भूत हुआ है और मैं अगर उसी भगवान के चरण पकड़ लू तो क्या होगा बताइए तो जब सबका कारण भगवान है तो मेरी नौकरी का कारण भी भगवान है मेरे बिजनेस का कारण भी भगवान है मेरे फेल होने का कारण भगवान है तो मेरे पास होने का कारण भगवान है तो जब सब चीज के लिए भगवान है तो क्या होगा जब सब चीज के पीछे भगवान है तो अगर हमने उस भगवान की शरण पकड़ ली तो हमें केवल और केवल आनंद और सुख और सफलता ही प्राप्त होगी प्रभु जी माता जी हमें भगवान के नाम का प्रचार प्रसार इस भागवत कथाओं का प्रचार प्रसार जितना हो सके उतना करिए आज एक शिल्पी माता जी ने आज एक कंटेंट शेयर किया है सबको उस कंटेंट को देखिए है, है ना और उसको जो है उसको देखिए वो उसमें उन्होंने बताया है उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं जिसको जिसको मिल गया है इन्होंने फेसबुक पे भी शेयर किया है और जो है वो चीज़ आप कंटेंट हर जगह शेयर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट है तैयार किया है उन्होंने क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि जो है किस तरीके से हम ये भागवत कथाएं उनके लिए लाभदायी हो सकती हैं अगर जो है भगवान के लिए अगर हमें ये पता चल गया ना कि किस तरीके से कथाएं है, लाभप्रद हैं तो अपने मन से क्या होगा हम सब लोग जो है उस कल्याण को भोग सकते हैं तो व्यर्थ वो चिंता कर रहे हैं और लास्ट में क्या बोलते हैं इधर और क्या बोलते हैं वो भी देखिए फिर से एक बार कहते हैं तो वो शत्रु भय से असीम बलशाली होते हुए भयवश मथुरा से भाग गए अब मथुरा से क्यों भाग गए वो पता है क्योंकि उनको लग रहा था मेरी वजह से आता है ये बाहर के आते हैं लोग और यहाँ पर आकर के आक्रमण करते रहते हैं है ना तो मथुरावासी बेचारे परेशान होते रहते हैं और तो मैं एक ऐसा करता हूँ इन सबको अच्छी जगह सुरक्षित जगह ले जाता हूँ ताकि ये सुरक्षित जगह रहेंगे और वहाँ जा कर के भगवान जो है वहाँ सुरक्षित रहेंगे और वहाँ केवल और का ध्यान डर में नहीं रहेगा ये केवल और केवल भक्ति में लग सकते हैं तो हमें हमेशा उस जगह को त्याग देना चाहिए जहाँ से हमारी भक्ति क्या हो रही है बिगड़ रही है भक्ति में चोट लग रही है उस जगह को त्याग देना चाहिए या ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए ताकि हमारी भक्ति हमें पूर्ण रूप से होती रहे तो भगवान ने सबको ताकि उन सबकी भक्ति अच्छे से होती रहे उन सबको मथुरा से जो है वहां से लेके चले गए अब जो है कहते हैं तो अब भगवान कई बार हारते हुए प्रतीत होते हैं तो शिला प्रपात बहुत अच्छे से बताते हैं कि देखिए जैसे कई ऐसा अच्छा कोई पिता नहीं है जो अपने पुत्र से हारता ना हो कुश्ती करता है और हार जाता है अरे अरे मैं तो हार गया और पुत्र भी हंसता हंसता मैंने अपने पिताजी को हरा दिया लेकिन भगवान क्या करते हैं वो केवल और थोड़ी देर खेलते हैं है ना उनको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ हु? तो जो इसलिए भगवान को काल्पनिक नहीं मानना चाहिए भगवान को सर्व कारण कारण मानना चाहिए ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण मानना चाहिए वो सर्व कारण है उनको सर्व कारण मान करके उनके चरणों में पड़े रहना चाहिए भक्ति में लगे रहना चाहिए विश्वास करना चाहिए कि वही है जो हमें केवल बचा सकते हैं बाकी सब कुछ हमें डूबो सकता है इन भागवत कथाओं को सुनते रहिए नित्य भागवत कथा हो रही है इनको केवल कान से आपके जाकर के आपके शरीर का विकास कर रहे हैं आत्मा का विकास कर रहे हैं भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं का विकास कर रहे हैं सब कुछ आपको प्रदान करने वाली शक्ति रखती हैं कथाएं इसलिए आप कृपा करके इन कथाओं को जरूर सुने कुछ करें ना करें इन कथाओं को जरूर सने इन कथाओं के प्रचार प्रसार करें क्योंकि हम डेली एक एक श्लोक दो दो श्लोक चार चार श्लोक आगे बढ़ रहे हैं और आज तक हमने दो खत्म करके तीसरे का कर पहला चैप्टर खत्म करके दूसरे चैप्टर में आ गए तो जो है तो अब ये जो है अब आपका जो प्रश्न है पचास साल के बाद हमें जाना चाहिए क्या करना चाहिए तो चलिए मैं आपको वो प्रश्न बताता हूं देखिए माता जी हमें एकांत एक में रहना चाहिए अगर हमने अपने परिवार का माहौल ऐसा कर दिया है कि जहाँ पर पूर्ण भक्ति है पूर्ण भक्ति का विकास हो रहा है वहाँ पर हमको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए हमें वहीं रहना चाहिए आश्रम अगर आपने अपने घर को बना दिया तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है कोई कई बार बाहर जाके अकेले रहने से अच्छा है ग्रुप में सत्संग करना राजा भरत इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं राजा भरत भगवान की भक्ति के लिए वो जंगल गए और जंगल जाकर के वहां पर क्या हुआ चूंकि सत्संग नहीं मिला उनको तो भटक गए और एक हिरणी के ऊपर उनका दिल आ गया और हिरणी की रक्षा करते रहे और अंत में शरीर ताकते के बाद केवल उस हिरणी के विषय में सोच रहे थे और अगला जन्म हिरण का हो गया उनका हमें अकेले में के बजाय हमें ऐसे सत्संग में रहना चाहिए जहां से हम भक्ति में लगातार जुड़े रहे हमें भक्ति में जुड़े रहने का पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए वो हमें अकेले नहीं रहना चाहिए भगवान से जब अर्जुन ने बोला मैं जंगल जाना चाहता हूं भगवान ने कहा जंगल नहीं जाना है राज्य में रह पूरे राज्य भोग लेकिन भक्ति करते ही करते तू भोग प्रहलाद महाराज ने कहा आप मुझे आपसे आप, आप मिल गया मुझे क्या चाहिए भगवान ने कहा नहीं नहीं तू राज्य भोग दुरु महाराज ने कहा आप मैंने आपको देख लिया अब तो सब कुछ मेरे लिए कांच के बराबर हो गया भगवान ने कहा नहीं नहीं तू राज्य भोग तुझे जाने की जरूरत नहीं है तो राज करते करते भक्ति कर नौकरी करते करते भक्ति कर बिजनेस करते करते भक्ति कर अपने घर के काम करते करते भक्ति कर अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते भक्ति कर तो सब काम करते करते केवल एक काम कर भक्ति कर ये कथाएं सुन और भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा ले श्री हरि का नाम भगवान का नाम लेता रहे सततम कीर्तन नित्य रूप से मेरा कीर्तन भजन कर सर्व धर्मांत परित मामेकम शरणम बजा सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में तू आ जा और आहं तो आहं सर पापे सब दुख पाप नष्ट सब कुछ खत्म कर दूंगा चिंता ना कर ये भगवान का प्रॉमिस है हमें तो क्यों ना हम जो है सब कुछ करते करते भगवान की भक्ति करें ध्यान दें हमें कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं कोई घर का त्याग करने की जरूरत नहीं ठीक है, है? वाछा कल्प कृपा सिंधु भ्य विचार पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नम आप सभी आज भारी मात्रा में लोग आए थे कनेक्ट करे हैं सुन रहे हैं पूरा कृपया ऐसे ही डेली सुनते रहिए क्योंकि ये कथाएं आपको अमृत देने वाली कथाएं हैं ये आपके लाभ के लिए कथाएं हैं और किसी के लाभ के लिए नहीं आपके लाभ के लिए कथाएँ आपके, आपके परिवार के लाभ के लिए कथाएं हैं जिस तरह से एक व्यक्ति अगर घर में चोर होता है तो परिवार को पूरे पूरे परिवार को जेल जाना पड़ सकता है पूरे परिवार को सत, सता, सत सताया जाता है वैसे अगर कोई एक व्यक्ति भक्त बन जाए तो पूरा पूरा परिवार लाभान्वित हो जाता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा, हरे रामा राम राम हरे हरे मिलते हैं फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद कल के दिन अगले श्लोक में हरि बोल हरे कृष्णा